दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाया सीखने वाले हैं कि एक पिरामिड क्यूब कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने बिगाड़ लिया है पूरा इस क्यूब को बिना कुछ चीटिंग करे। तो अब हम सीखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसके एजेस होते हैं 3, 1, 2, 3, इसकी सेंटर्स 1, 2 और 3, साइड्स 1, 2, 3। तो ये जान ली, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमको बॉटम लेयर बनाना पड़ता है, मतलब एक वो बनाना पड़ता है, तो अगर हमको बनाना है पर्पल कलर, तो देखते हैं कि पर्पल एजेस में तीनों एजेस कहाँ मिलेंगे। तो ये पर्पल एक एज है, तो इसको मिला दिया यहाँ, ठीक है ये। और यहाँ पे देखते हैं इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन और रेड। इसका मतलब इस साइड पे पर्पल नहीं बनेगा, दूसरे साइड बनेगा। तो इस पर पलट लिया, इसको इस साइड लाए, ये दोनों है, तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड पर्पल बनेगा। और वैसे ही देखिए ये सब आगे तो पता चल जाएगा एजिस से किस साइड कौन सा कलर बनेगा। तो हम पर्पल बना रहे थे, फिर इसके बाद एजिस के बाद सेंटर्स को मिलाएंगे। ये सेंटर 1 मिला दिया, सेंटर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको भी मिला दिया। सेंटर 3 यहाँ पर है, तो इसको मिला देंगे हम लोग। अब सेंटर्स मिल गए, एजेस मिल गए, अब साइड्स बनानी है 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम यारी साइड देखते हैं, ये यहाँ लाना है। तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसी पर्पल ब्लॉक में कौन सा ब्लॉक है पीछे। तो यहाँ पे ये रेड ब्लॉक है, रेड, तो रेड ये पर्पल वाला रेड लाइन पे ले जाएंगे है। तो क्या करेंगे, देखें लेफ्ट हैगा तो राइट ले जाएंगे, उसके बाद जहाँ पे था वो उठाएंगे, वापस लगाएंगे और नीचे कर देंगे। तो ये रेड लाइन भी आ गई, ये बन गई है। अब ऐसा यहाँ लगाना है एक पर्पल, तो ये रहा एक पर्पल, तो ये ग्रीन है इसके पीछे, तो ग्रीन पे ले गए और इसको राइट है तो लेफ्ट, इसको ऊपर यहाँ पे लगा दिया और ये नीचे, तो ये ग्रीन लाइन भी बन गई, ग्रीन ये भी बन गया। अब बस एक बचा अपना एक, तो उसमें ये है येल्लो, ये मतलब येल्लो है पर्पल के पीछे, तो येल्लो लाइन पर भी है, तो बस लाइट राइट है तो लेफ्ट ऊपर साइड में और लगा दिया। तो ये बन गया हमारा एक लेयर। अब हम क्या करेंगे, ये सेंटर्स इनकी लाइन से मिलाएंगे। तो ग्रीन है तो ग्रीन मिला दिया, तो येलो अपने आप मिल गया और रेड मिल गया। अब क्या करेंगे, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा डबल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बना, पर यहाँ दो नहीं बने। तो वो साइड आप अपने सामने रखिए और उसको देखिए इस कुछ इस प्रकार से करिए, राइट वाला नीचे, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, फिर लेफ्ट हो तो राइट ऊपर, ये लगा दिया। अब ये वापस इसी जगह पर आ गया, तो फिर से वही करेंगे, ये 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 और ये। पर इस बार जब डबल दूसरी बार एक ही साइड पे दो दो नहीं बने, तो अब बाहर नहीं अंदर ले जाएंगे, अंदर ले गए अंदर। अब इसको उठाएंगे ऐसे, जैसे ये था ना आपने, अब बाहर ले जाते थे ऐसे, लेफ्ट है तो राइट। पर हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट है तो लेफ्ट ही ले जाएंगे। जब एक एक उसमें, मतलब एक उसमें जैसे ये येलो था, उसमें दो बार दो नहीं बने आए, तो उसमें क्या करेंगे, ये ले गए, इसको उठाया, इसको वापस लाए और इसको नीचे कर दिया। तो देख सकते हैं हमारा क्यूब बहुत इजीली बन गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी जल्दी बना लेता हूँ। हम इसको लगा देते हैं, अगर मेरे और हाथ और तेज चलते तो आप इसको कम से कम 15 सेकंड में आराम से बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए मैंने ये बिगाड़ दिया है। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ पर, रेडी सेट गो, ये मेरा स्टार्ट हो गया है टाइम। ये बना लिया मैंने पूरा क्यूब, मतलब पिरामिड। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों से भी करवाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बस। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।